दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु ने रोकी शादी। जी हाँ दोस्तों, शो में हाई वोल्टेज सामान देखने को मिलने वाला है, जहां पर अभिमन्यु और अक्षरा जंगल में फंस चुके हैं। अभिमन्यु की रिक्वेस्ट पर अक्षरा अपने प्यार का इजहार भी कर देती है, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी आ जाते हैं। तो भाई दोनों के बीच की नज़दीकियाँ तो बढ़ गई हैं, वहीं पर अभिमन्यु को ये याद रह जाएगा कि अभिमन्यु से अक्षरा प्यार करती हैं, और रीज़न उसका ये भी समझ आ जाएगा कि अक्षरा की मजबूरी है कि वो उससे शादी करने के लिए मना कर रही हैं। इसके बाद देखने को मिलेगा कि यहाँ पर बात शादी के मंडप से पहले ही, जैसे कि शादी एक बार तो आरोही से टूट ही चुकी है और अब कहानी नए तरीके से शुरू होगी, और अक्षरा के लिए अभिमन्यु अपने प्यार का इजहार करते नजर आएगा और सब घर वालों को मनाते हुए भी। या दोस्तों देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पर रिंग सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है सबके सामने, और रिंग सेलेक्ट की जाएगी अभिमन्यु के लिए और आरोही के लिए, लेकिन अभिमन्यु इस शादी के लिए, इस अंगूठी के लिए अक्षरा का हाथ ही आगे मांगता है। जी हाँ दोस्तों, अभिमन्यु साफ कह देता है कि ये रिंग अक्षरा के लिए ही बनी है और वो अक्षरा के लिए ही अब अक्षरा के ही शादी करेगा, और देखने को मिलने वाला है कि ये रिंग भी अक्षरा के हाथ के जितनी ही होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, शो में काफ़ी बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जहाँ पर अभिमन्यु अब अक्षरा से ही शादी करने का डिसीजन लेने वाला है और सबके होश उड़ा देगा। तो वहीं पर अब ताई जी और यानी कि महिमा और नील सभी उसका साथ देते नजर आने वाले हैं। देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अक्षरा इससे दूर रहने की कोशिश करेगी, लेकिन फाइनली अक्षरा को अब मजबूरी अब अभिमन्यु के सामने आ चुकी है और उसका इजहार भी। अभिमन्यु कह देगा कि अक्षरा उसी से प्यार करती है और अब वो अभी सिर्फ अक्षरा से ही शादी कर सकता है और उसे कभी शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो। इसीलिए अक्षरा की मजबूरी और जब प्यार सामने आएगा तो अभिमन्यु शादी के लिए आरोही से साफ मना कर देगा, और अभिमन्यु अब अक्षरा से शादी के लिए घर वालों को मनाते नजर आएगा।